नहीं देखिए, हम तो हर मंच पर खड़े होकर के जहाँ भी हमारे पास जो भी प्लेटफॉर्म मुहैया हैं, हम तो तिरंगे को सलामी देते हैं और तिरंगे की बुलंदी की दुआएं करते रहते हैं और हर मंच पर ये गुनगुनाते रहते हैं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मैं तो मुल्क की सलामती की हर लम्हा दुआ करता रहता हूँ और लोगों से ये कहता रहता हूँ कि तूने नफ़रत का जो बाज़ार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। हम लगातार देश की खुशहाली, उसकी बेहतरी, उसकी बुलंदी की दुआएं करते रहते हैं और सड़क पर उतर करके लड़ते भी रहते हैं इस मौजूदा सरकार से कि वो देश को और ना बेच सके, देश के संसाधनों पर रहम खाए, देश के सरकारी संसाधनों पर रहम खाए, उसे उद्योगपतियों को न सौंप दे। क्योंकि मुझे ये बात हमेशा, मैं अपने बड़े राजनीतिक मित्रों से बहस में भी ये बात कहता हूँ कि जिस दिन देश हमारे हाथ आएगा तब तक इस देश में कुछ बचेगा नहीं, ये तब तक शायद सब कुछ बेच चुके होंगे, फिर देश सुधारने में कई कई वर्ष लग जाएंगे। तो ऐसे में देश को लेकर के एक पीड़ा होती है, एक चिंता रहती है कि मेरा हिंदुस्तान जो है वो खुश रहे, खुशहाली रहे। इस देश को हमने 1947 में जब हासिल किया था तो हमें पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, देश को कहाँ से निकाल करके कहाँ तक पहुँचाया, और फिर एक दिन नफ़रत का माया जाल फैला करके किस तरह नरेंद्र मोदी जी ने देश को अपने हाथ में लिया, और तब से स्थिति यह है कि रेलवे से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के क्या नहीं बेच डाला और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है। ऐसे में जनता खतरे में है, देश की अस्मिता खतरे में है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कम से कम अब तो देश को बख्श दें, बेचना बंद करें।